नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पिछले दिनों पलामू में एक बेहद दर्दनाक खबर आई थी। प्यास बुझाने के लिए एक साथ 35 बंदरों की जिंदगी की लौ बुझ। इस खबर को देखकर किसी ने दुख जताया तो कोई बेजुबानों के इस हस्त्र पर आंसू बहाया। लेकिन ये एक संकेत है, आज पानी के लिए दर दर भटक रहे बेजुबानों की मौत हुई है तो कल इंसान भी पानी के लिए वैसे ही भटक। आज टैंकर से आपूर्ति हो जा रही है, थोड़ा ही सही लेकिन पानी मिल जा रहा है और काम चल जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से पानी का लेयर नीचे जा रहा है, नदियां सूख रही हैं, पानी का वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया गया, नदियों को बांधकर बरसात के पानी को रोका नहीं गया, तो मेदिनीनगर शहर में पानी के लिए त्राहिमाम मचना तय है। या यूं कहें कि त्राहिमाम तो अभी ही मचा हुआ है, आने वाले दिनों में पानी के बिना शहर सूना पड़ जाएगा। पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के सेवक हैं, वो पानी के लिए कितना कुछ जुगत कर रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। पानी के मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए पलामू के युवा चेहरे आशीष भारद्वाज के नेतृत्व में विंध्याचल हॉस्पिटल के निदेशक मनीष सिंह, क्राउन प्लाजा के संचालक एनबी सिंह, नवीन तिवारी, टिंकू तिवारी, साहेब सिंह नामधारी समेत कई युवा चेहरों ने अब जल संकट से मेदिनीनगर को उबारने का संकल्प लिया है। आशीष भारद्वाज ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा शहर मेदिनीनगर तीन नदियों ओरंगा, कोयल और अमानत से घिरा हुआ है। बावजूद ये दुर्भाग्य की बात है कि शहर ड्राई जोन हो चुका है। उन्होंने बताया कि 2020 से पेयजल स्वच्छता मंत्री से लेकर सभी सक्षम पदाधिकारियों को पत्राचार कर जल संकट से उन्होंने अवगत कराया है। बावजूद उनकी उदासीनता का ये प्रमाण है कि किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब खुद ही जनता को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना होगा और इस लड़ाई को पूर्ण करने के लिए लोगों का सहयोग लेने के लिए मेदिनीनगर की ये युवा टीम 12 जून से पूरे शहर में डोर टू डोर जाकर लोगों से इस संकट निवारण के लिए परामर्श लेगी और अपनी योजना से भी लोगों को अवगत कराएगी। इस पानी यात्रा के दौरान जन जागरण सह हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। मेदिनीनगर शहर के सभी 35 वार्डों में लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री से मिलकर मेदिनीनगर की पानी की समस्या पर अविलंब संज्ञान लेने के लिए निवेदन किया जाएगा और यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो फिर बृहद आंदोलन किया जाएगा। प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर ये तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ स्थान है। ओरंगा कोयल अमानत जैसी बड़ी तीन नदियों से घिरे होने के बावजूद भी हम मैसिव ड्राई जोन एरिया हैं। हर हाउस होल्ड का जो नगर निगम में विश्वास करता है 90% हाउस होल्ड का पानी सूख चुका है, उनके घर के पेयजल स्रोत सूख चुके हैं। इसी को लेकर कि ये ड्राई जोन के का जो संपूर्ण समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान को लेकर परामर्श के लिए कि हमारे नगर के लोग भी जो नगर में निवास करते हैं वो हमें परामर्श दे कि इसका अस्थाई सॉल्यूशन क्या है। जागृत करेंगे उनको जाकर कि आप जल संचय के प्रति लोग जागरूक हों। और तीसरा जो हमारा है कि हम अपने जो 6-7 पॉइंट बनाए हैं वो उनके साथ जाकर डिस्कस करेंगे। नगर में निवास करने वाले जो पानी के किल्लत से जूझ रहे हैं, एक एक घर है उनके पास जाएंगे, अपने मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे कि भाई कोयल बांधा जाए, अमानत बांधा जाए, बांध के हमको पानी दिया जाए, हमारी पानी को पलामू की पानी को पलामू में रोककर मेदिनीनगर को पानी दिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जन जागरण के लिए एक एक हाउस होल्ड तक जाएंगे। 12 तारीख यानी कल से हमारी यात्रा सुबह 7 बजे से आरंभ हो रही है, प्रतिदिन 11 बजे तक चलेगी।